हाय एवरीवन, आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं कस्टमर के घर पर यहां पर आ चुका हूं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना। देख सकते हो यहां पर व्हर्लपूल का 9.5 kg का वॉशिंग मशीन है जो कि सेमी है। देख सकते हो यहाँ पर, तो इसके सभी यहाँ पर ऊपर के बटन हमने खोल लिए है। फॉल्ट भी बताऊँगा कैसा फॉल्ट है, क्या है। तो चलिए पीछे की ओर हम आ गए और पीछे से खोल लिया है। तो देखिए इसकी 5 ओवर की वारंटी है और ये व्हर्लपूल का वॉशिंग मशीन यहाँ पर एक्सपायर वैलिडिटी हो चुकी है इसकी। तो देखिए इसका जो स्पिन मोटर है यहाँ पर जाम हो चुका है और खुल नहीं रहा है। तो कस्टमर से हमने कहा है इसे रिपेयर करोगे या नया रिप्लेस करोगे, तो कस्टमर ने कहा रिपेयर नहीं करेंगे भाई, हम इसे नया ही डलवा देंगे। तो चलिए ये यहाँ पर बहुत ही जाम कंडीशन में है, तो किस तरीके से इसे खोलना है, कैसे खोलना है, वीडियो में सब कुछ बताऊँगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो देखिए ये जो इसका मशीन का मोटर है यहाँ पर हमारे 6.5 kg की जो मोटर आती है उससे थोड़ा यहाँ पर बड़ा होने वाला है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये 9.5 kg का वॉशिंग मशीन है सेमी व्हर्लपूल का। तो चलिए इसे किस तरीके से खोलना है वीडियो में बताता हूँ आपको, बने रहिए आगे देखिएगा वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले अपने बिजली का जो पावर प्लग है वहाँ पर ऑफ कर लेना है और उसका जो सॉकेट है वहाँ से पिन को अलग कर लेना है। बिजली का काम है तो जब भी आप ये काम करो तो बिजली से बोर्ड से पिन को अलग ही करें, तभी काम करें। तो चलिए देखिए ये जो वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन में यहाँ पर पीछे से आपको एक ढक्कन दिखाई देगा, वो बैक कवर आपने खोल लेना है। तो हमने यहाँ पर पहले ही खोल लिया है और नीचे देखिए यहाँ पर 3 स्क्रू दिए हैं जिसमें हमारा स्पिन मोटर यहाँ पर फंसा हुआ है, जिससे कि हम कपड़े यहाँ पर सुखाते हैं। तो देखिए फटाफट से मैंने नीचे के स्क्रू खोल दिया और ऊपर देखिए एक 8 नंबर की टी से यहाँ पर ये लॉक के यहाँ पर इसके नट लगे होते हैं, तो इनके यहाँ पर खोल देना है। तो देखिए मैं बड़ी सावधानी से इसे उल्टी चाल में घुमाकर खोल रहा हूँ, तो आपने भी वैसे ही खोलना है, लेफ्ट साइड की और खोल लेना है। तो देखिए मैंने खोल लिए और प्लायर की मदद से इन शॉकर को अंदर की ओर प्रेस कर देना है तो निकल जाएंगे। देखिए यहाँ से आपने प्लायर की मदद से पकड़ के रखना है ताकि हमें ऊपर का जो हमारा स्पिन टब होता है वो स्पिन टब निकालने में यहाँ पर हेल्प हो सके। तो देखिए मैंने प्लायर की मदद से यहाँ पर पकड़ रखा है और ऊपर से स्पिन टब को खींच रहे हैं, तो स्पिन टब ऊपर की ओर नहीं आ रहा है, जिसके लिए हमें इसका जो ऊपर का ये जो कवर है ये कवर यहाँ पर खोलना पड़ेगा। तो सभी पेचों को हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप खोल लेते हैं और जो पेच आपको नहीं खुल रहे उनमें आपने थोड़ा एसिड डाल देना है, जो कि हमारा व्हाइट कैट का होता है जो भी आपके पास हो, या फिर आप उसमें नारियल का तेल भी डाल सकते हो, जो भी आपको मिले। तो चलिए सबको हमने खोल लिया है, अब एक पेचकस लेना है और पेचकस से चारों तरफ के इसके जो लॉक होते हैं उन लॉकों को यहाँ पर खोल लेना है, जो कि मैंने आपको इस तरीके से खोल कर बता दिए है। और इसके नीचे यहाँ पर 4 स्क्रू होते हैं जो कि आपको मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ पर 2 स्क्रू है और इसके पैलोर के साइड में 3 स्क्रू है और आजू बाजू में 3 स्क्रू है, यानी कि लगभग इसमें 7 से 8 स्क्रू है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 स्क्रू है, तो इन स्क्रू को मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से रिमूव करना है, नहीं तो आप ऊपर का कवर ही खोलोगे, नीचे के स्क्रू नहीं खोलोगे तो ये खुलेगा नहीं, टूट जाएगा। कई कई भाइयों को जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता है, तो बिगिनर्स के लिए मैं शुरू से वीडियो बना रहा हूँ खोलने से लेके फिट करने तक। देखिए हमने यहाँ पर अभी इसका स्पिन का जो टब है उसको नीचे की मोटर से अलग कर दिया है। अब हम मोटर नहीं निकल रही है इसलिए इसको एक साइड में करके रख दिया है हमने, ऊपर की ओर खींच के खींच लिया है और मोटर को अलग कर दिया है ताकि हमारी मोटर आसानी से बाहर निकल जाए। और टब को आपने जो बफर होता है उस बफर पे नहीं रखना है, साइड में कर रखना है क्रॉस में, जैसे कि मैंने रखा है। तो चलिए मोटर को हम बाहर की ओर खींच लेते हैं फटाफट से। तो देखिए मैंने मोटर को यहाँ पर बाहर की ओर खींच लिया है और ये देखिए मोटर के ऊपर पानी लगने से ये मोटर यहाँ पर कितनी जाम हो चुकी है, देखिए ज़रा सा भी घूमने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ये जाम हो चुकी है, ये चल भी नहीं रही थी, जिसके कारण हम इसे रिपेयर ही कर देंगे। अब इस मोटर को हम ग्राइंडर की मदद से एकदम क्लीन वॉश करके इसकी रिवाइंडिंग करके इसे चालू भी कर सकते हैं, बुशअप चेंज करके, लेकिन हम करेंगे नहीं, रिप्लेस ही कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ पर नई मोटर परचेस करके लेके आए जो कि व्हर्लपूल की है। यहाँ पर इसके शॉकर है, ये इसका ऊपर का कवर है, ब्रेक है, यहाँ पर मैंने फुली इसको इंस्टॉल कर लिया है ताकि मेरे पास कोई दूसरा, मेरा दोस्त नहीं है मोबाइल पकड़ने के लिए। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के एक हाथ से आपको ये मोटर बता रहा हूँ, इसके शॉकअप दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसमें ये 3 तरीके के वायर आते हैं जो कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग और ब्लैक वाला हमारा कॉमन होने वाला है। तो कुछ इस तरीके की ये मोटर है, यहाँ पर मैंने इसका कवर पुली सभी लगा लिया है। देखिए इसके अंदर ये वाइंडिंग है कुछ इस तरीके से और इसके अंदर ये बेरिंग है, यहाँ पर बेरिंग वाला मोटर है ये। इसमें बुश वाले भी आते हैं लेकिन देखिए न्यू मोटर है, आपको वीडियो में देख कर पता चल ही गया होगा ये न्यू मोटर है। तो यह मोटर को हमने कस्टमर के यहाँ पर
लगा देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो इसका डायग्राम है, यहाँ पर रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग किस तरीके से है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हो, ताकि आपको वायरिंग करने में बड़ी आसानी हो, तो इसलिए मैं ये डायग्राम आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर फुली इंस्टॉलेशन इसे कर दिया है मोटर को। अब ये शॉकर लगाना बाकी है, तो शॉकर लगा देता हूँ मैं फटाफट से। तीनों शॉकर को यहाँ पर स्क्रू की मदद से इंस्टॉल कर देता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद में इस मोटर को हम वॉशिंग मशीन की बॉडी के साथ फिक्स कर देंगे। तो देखिए, आपने जब भी इसके स्क्रू को कसना है तो बहुत ही सावधानी से फिक्स कर लेना है, ताकि वाइब्रेशन इसमें ना बना रहे। तो देखिए, हमने इसे शॉकर से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि शॉकर इसमें इंस्टॉलेशन कर दिए है। तो अब मैं इसे फिक्स करके यानी फिटिंग करके पूरी तरीके से बता दूंगा। तो देखिए, हमने मोटर को अंदर की ओर ढकेल दिया है, वो मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मोबाइल एक हाथ से पकड़ा था मैं, एक हाथ से मोटर अंदर की ओर नहीं जा रही थी। तो देखिए, यहाँ पर मोटर को मैंने अंदर की ओर ढकेल दिया है, और ये देखिए इसकी जो पुली है, पुली के साथ आपने ऊपर का जो ड्रायर का शॉप है उसे फिक्स कर लेना है। और उससे पहले आपने इसके नीचे के जो शॉकर के स्क्रू है, उन सभी तीनों स्क्रूओं को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से यहाँ पर टाइट कर लेना है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना बने और आपको कस्टमर के यहाँ दोबारा जाना नहीं पड़े। तो देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप तीनों स्क्रूओं को यहाँ पर फिक्स कर लिया है, यानी अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम मशीन को यहाँ पर सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमारा नीचे का काम जो है शॉकर टाइट करने का, वो यहाँ पर फुली हो चुका है। तो देखिए, अब नीचे की ओर आते हैं हम। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए इसके यहाँ पर चार वायर है, एक रनिंग, दूसरा स्टार्टिंग, और तीसरा यहाँ पर होने वाला है कॉमन का। साथ ही में इसमें अर्थ का भी वायर है, तो अर्थ का हमारा ग्रीन कलर का वायर है। तो चलिए इसकी वायरिंग करके मैं बता देता हूँ आपको। साथ ही में इसका जो हमारा पानी ड्रेन होता है, उस ड्रेन का यहाँ पर जो डोर होती है, उस डोर को भी लगा लेंगे हम। और ये जो इसका स्पिन टब है, इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक लगाना है, नहीं तो आपका यहाँ पर बफर फट सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे बहुत ही सावधानी से लगा दिया है, और इसे बहुत ही सावधानी से लगाना है, वरना मिसबैलेंस हो जाएगा तो आपका बफर यहाँ पर फट सकता है। बफर बहुत ही अच्छा था कंपनी का, यहाँ पर ब्रांडेड, इसलिए हमने यहाँ पर इसे रिप्लेस नहीं किया है। तो देखिए, अभी नीचे की ओर आते हैं हम, और इसकी जो वायरिंग है उस वायरिंग को कर लेते हैं। बाद में इसके जितने भी पेच हैं वो पेच मैं कस लूँगा। तो ये देखिए, 8 नंबर की जो टी आती है इस तरीके की, इस टी से आपने ऊपर की ओर एक जने को पकड़ के रखने लगाना है। यहाँ पर तो मेरे पास कोई भी नहीं, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, और जो कस्टमर है उन्हीं को कहा आप ड्रायर को पकड़ लीजिएगा, और नीचे से मैं इसे यहाँ पर इसकी जो पुली है ड्रायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि अच्छे तरीके से टाइट कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी वायरिंग जो है कलर कोडिंग के अनुसार यहाँ पर फिक्स कर दिए है, क्योंकि मैंने पहले ही कलर के जो वायर थे वो कट कर लिए, और उन्हीं को यहाँ पर कनेक्शन करके कलर कोडिंग के अनुसार यहाँ पर टेपिंग कर देंगे। टेपिंग आपने बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है, क्योंकि इसमें पानी से रिलेटेड ये वर्क है, तो करंट का खतरा बन सकता है, इसलिए टेपिंग आपने बहुत ही ज़रूरी है सावधानीपूर्वक करना। तो चलिए टेपिंग करके आपको मैं बता देता हूँ। उससे पहले एक बार हम मोटर को चेक करेंगे। तो देखिए, इसमें आपने सप्लाई दे दिया है, और ये मोटर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही है। तो चलिए आपको एक बार और बता देता हूँ मैं, जैसे हम इसका कवर खोलेंगे तो ये बंद हो जाएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करना। तो दोबारा मैं आपको मोटर को ऑन करके बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ से हमारा जो टाइमर है, टाइमर से ऑन कर लिया, और देखिए हमारा स्पिन मोटर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो अभी इसके जो जितने भी पेच है, स्क्रू है, उन स्क्रूओं को हम लगा लेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले टेपिंग कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से आपको मैं टेपिंग करके बता देता हूँ। बाद में इसका जो बैक कवर है वो बैक कवर लगाएंगे। उसके पहले यहाँ का जो स्क्रू था वो बॉडी के साथ के ऊपर के जो कवर के स्क्रू है, उन स्क्रूओं को लगा लेंगे। उसके बाद में बाकी जो स्क्रू है उनको लगा लेंगे, और ऊपर का जो ये लाल कलर का ढक्कन है इसे प्रेस करके दबा देंगे, तो इसके सभी लॉक यहाँ पर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं सभी स्क्रू लगा के बता देता हूँ, और इसके जो लॉक है उन लॉकों को भी यहाँ पर दबाकर अच्छे से प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से सभी स्क्रूओं को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर अभी मैं टेपिंग कर रहा हूँ। तो आपने टेपिंग करते वक्त बहुत ही सावधानीपूर्वक टेपिंग करना है, ताकि यहाँ पर कोई भी करंट का खतरा ना बने, वरना आपका नाम यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो जो भी काम करना है अभी सावधानीपूर्वक करें। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं सभी को यहाँ पर कलर कोडिंग के अनुसार कनेक्शन कर लिया है, और यहाँ पर टेपिंग कर रहा हूँ, जैसे कि ग्रीन को ग्रीन के साथ, व्हाइट को व्हाइट के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ, और ब्राउन को ब्राउन के साथ। तो चलिए, अगर इसकी वायरिंग नहीं आती है तो कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे आप तो मैं इसकी वायरिंग भी आपको बता दूंगा, फुली वायरिंग कैसे होती है वॉशिंग मशीन की। तो यहाँ पर मैंने पूरी टेपिंग कर ली है, और सब टेपिंग होने के बाद में ऊपर से आपने
चारों वायर को इकट्ठा कर देना है और ऊपर से अच्छे से टेपिंग करने के बाद में मैं यहाँ पर पीछे का जो बैक कवर होता है उन्हें अच्छे से स्क्रू की मदद से टाइट कर लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सभी यहाँ पर मैंने फिट कर लिया है। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह का वीडियो लेकर।